सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज, पहचान सच की। नाजरीन, बहनोई ने की साले की बुरी तरह पिटाई। वो कहते सुना था कि सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। कहावत अब सिर्फ बातों की ही हो गई है शायद। जी हाँ, सिर्फ 3,000 रुपए के लिए बहनोई ने साले की पिटाई कर दी। मोहम्मद नगर बंडलागुड़े की है ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमान है, मैं कैब ड्राइवर मोहम्मद नगर में। आज सुबह में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ मेरे बहने की तरफ। मैं घर रहा हूँ, मैं अल्लाह के पास चले गया था। ये हमले की वजह क्या है? ये हमले की वजह ये साहब, चिट्ठी के पैसे 2-3 हज़ार रुपये के अली 2-3 हज़ार रुपये के हमले की तरफ से हुआ। उनकी दुश्मनी कुछ और ही थी। यानी चिट्ठी आप आपके बहने के पास डाली थी? नहीं नहीं, मेरे वालदा के पास डाला था। मेरे वालदा भेजे, बात करके आओगे, बात करके आओगे बोले। वो भेजे तो मैं वालदा को फोन करा, क्या हुआ मम्मी कहीं भेजे? सीधा उन्होंने एक ही बात बोले, मैं मानने भेजी थे, मानने भेजी बोल के उन्होंने मानना शुरू कर दिया। फोन पे बातचीत कर रहा हूँ, मैं ये बोला उनको, भाई क्या हुआ? क्या नहीं, तेरे रास्ते मेरे को पहले से था, तेरे ऊपर घाट थी मियाँ, कुछ ना कुछ तो फिर मारते खुद भी क्या करो तू, अगर अब बच गया वो बच्चा जब आया मेरी छुड़ाने, ठीक है आप देख सकते, ठीक है आप देख सकते आज बेटा मेरे ऊपर हमला करने का। मेरे घर के सामने वाला मैंने फुटेज थी, वो हिसाब में वीडियो रिकॉर्ड हो गया। और ये मसला साहब सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये का है, ज़्यादा नहीं कुछ भी नहीं। और वो ना छुट्टी के पैसे मैं लिया ना कुछ, मेरे वालदा कुछ खर्चा कर लिए थे उनकी, उसमें मैं ये भी बोला खर्चा फेर लेता हूँ कर लेता हूँ, मगर हमारे बोले यहाँ कि सीधा सीधा मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। पी एस को भी क्या मैं जी बल्ला बोला पी एस में कंप्लेंट करा, कंप्लेंट करे तो उन्होंने एफ आई आर तो बुक कर दिए साहब। मगर उन जाते हुए क्या बोल के गए, देख मियाँ अब तो केस तो बुक कर दिया, दो दिन में छुट्टियाँ बजा लेते, बोले 2 दिन में छुट्टी बजाता हूँ, देख उसके बाद देख तेरा क्या करता हूँ। घर पे आ गए थे वो, नहीं मार दिया ना जब बोल मेरे को, जाते खुद बोल के जा रहे हैं जी साहब, बोल सारे बोल जी। हाँ मेरे बोल जी नु माइल नगर में रहते, कारपेंटर का काम करते। हुकूमत से मैं ये चाह रहा हूँ, कल के दिन से मेरे को जान का धोखा है, ठीक उनके ऊपर कुछ एक्शन होना, कल के दिन था कुछ करने की कोई सोचना था। कहीं को बोलता जब से कांग्रेस आई अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पे कंट्रोल रहा, मगर ये छोटे मोटे लड़े में जान का धोखा हो जाता था। ठीक है साहब, ये देखो क्या सीधा सीधा चार टाके लगे, पलट के उन्होंने नंदी मतने गए थे पूरा गर्दन के पास, ये देख सकते हैं घुटने उठने डाल के फसके में मारे थे कोई साथ में। आके उन्होंने सीधा ढकल के दीवार को खिच्चा मारना शुरू कर दिया था, सीधा दीवार को नहीं ले जाएंगे खिच्चे मारना शुरू कर दिए। फिर मैं कुछ ना कर सका, जो गंदी का बुद्धा जब भाग लेते आया आगे मेरे को छोड़ा, जब मैं ऐसी हालत में होगा था उन्हें उठाया अगर आप मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह उठा। और मैं भाई ये जो मसला था किसी का मेरा मेरे वालदा का मसला था, उनसे कुछ भी मसला नहीं था। उन्हें उनके दिल में मेरी कुछ थोड़े दिन पहले वालदा से उनकी लड़ाई हो गई थी, बहन से लड़ाई हो गई थी, तो मैं इसके बीच में आगे चाहे सुलह कराने की कोशिश करा था, गाली गलत मारने की कोशिश करे। जब पी एस में वालापुर केस में जब भी केस करे तो अब जान दो भाई बहन का मसला है, जब छोड़ दिए। मगर अब उन्होंने एक ही बात बोल के मारे देखो कि अब नहीं देखो छोड़ दो, खुद दिन से देख लिया देखो पुराना भी था, अब नहीं छोड़ दो देखो जान दो खुद भी एक ही बात बोले अब तो मार लेता देखो। कल के दिन कुछ हुआ था जान का धोखा तो कंपलसरी मेरे को इनसे है, आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता घर पे आएंगे, मैं टैक्सी चला दूँ साहब, लाइन पर रहा करा उन दोस्तों को ला लिए ताकि मानिए कुछ तो कंपलसरी करते साहब। बस मेरा हुकूमत से अदबन गुजारिश है, कांग्रेस जो है हमारे अन्ना प्लीज़ गुजारिश है कि स्ट्रिक्ट एक्शन करने की कोशिश करें प्लीज़, और कुछ भी नहीं साहब।